तो गाइस आज के वीडियो में बात करेंगे Realme XT के डिवाइस में Realme UI का लेटेस्ट अपडेट 3.07 विद सितंबर सिक्योरिटी पैच का अपडेट एट लास्ट कब तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme की तरफ से एंड साथ में बात करेंगे इसी सितंबर वाले अपडेट के अपडेट लॉक के बारे में। सो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट सपोर्ट एंड आज के वीडियो में आपकी पूरी मदद की जाएगी। देन दोस्तों अगर बात करें Realme XT के डिवाइस में Realme UI का लेटेस्ट अपडेट सितंबर वाला अपडेट फाइनली कब तक प्रोवाइड किया जाएगा Realme की तरफ से, तो भैया जी ये अपडेट आपको अप्रॉक्स 20 सितंबर के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन 1 वीक टू 10 डेज के अंदर आपके भी फोन में रिव्यू हो जाएगा। एंड अगर आप बात करें भैया जी आप ये कैसे बता सकते हो 20 तारीख के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं Realme X का जो डिवाइस है इसमें एक न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जा रहा है चाइना में, जो कि 3.13 के लेटेस्ट वर्जन से प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड एक बात और है, Realme X, XT, Realme 3 Pro, 5 Pro ये चारों एक ऐसी डिवाइस हैं जिनमें जो भी अपडेट प्रोवाइड किया जाता है लगभग सेम प्रोवाइड किया जाता है, उसका जो अपडेट लॉग होता है लगभग सेम होता है, अपडेट्स का रोल आउट डेट भी लगभग सेम होता है। एंड Realme X के डिवाइस में जो अपडेट रोल आउट किया जा रहा है चाइना में, इसको रोल आउट होने में एक हफ्ते का समय लगेगा। तो भैया Realme X, XT, Realme 3 Pro, 5 Pro इन चारों डिवाइसों में एक हफ्ते बाद न्यू अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि कुछ नए नए फीचर के साथ आएंगे। अगर बात करें फीचर के बारे में तो भैया जी सबसे पहले आपको ऑफकोर्स Realme का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपके Realme लैब में स्मूथ स्कॉलिंग के साथ साथ आपको न्यू फीचर ऐड किए जाएंगे, जैसे कि सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाई फीचर एंड डीपी टाइमिंग का भी फीचर मिल जाएगा आपके Realme XT के डिवाइस में। एंड अगर बात करें अगले फीचर के बारे में तो भैया जी ये है बैटरी ड्रेनिंग के रिलेटेड, जो कि आपको प्रोसेस मैनेजर में यहाँ पे डीप क्लीनअप का फीचर मिल जाएगा आपको लेटेस्ट सितंबर वाले अपडेट के बाद। बिकॉज आपको प्रीवियस वाले अपडेट में, मतलब इस अपडेट में जब आप अपने प्रोसेस मैनेजर में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक एक करके किसी भी ऐप का जो पावर होता है यहाँ पे एंड करना पड़ता है, आपको यहाँ पे एक न्यू डीप क्लीनअप का फीचर मिल जाएगा जहाँ पे आप फिंगर टैप में सारे के सारे ऐप को हटा सकेंगे सिर्फ एक ही बार में बिना किसी दिक्कत के। एंड अगर बात करें अगले फीचर के बारे में तो भैया जी आपने अबाउट फोन वाले सेक्शन में जा करके IMEI नंबर पे जा करके अपने IMEI नंबर को कॉपी कर सकते हैं लॉन्ग टैप करके, जो कि आपको इस Realme UI 1.0 वाले फीचर में देखने को नहीं मिलता है, बट इन फ्यूचर नहीं इसे सितंबर वाले अपडेट में आपको ये फीचर प्रोवाइड कर दिया जाएगा Realme की तरफ। एंड यहाँ पे अगले फीचर के बारे में बात करें भैया जी, जब आपने फोन को ड्रावर मोड में यूज करते हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स को अपने होम स्क्रीन पे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, सिंपल सा आपको ऐप इन्फो एंड रिमूव का ऑप्शन होगा आपके डिवाइस में। तो भैया जी इस अपडेट को अपडेट करने के बाद, मतलब सितंबर वाले अपडेट में अपडेट करने के बाद, आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को अपने होम स्क्रीन पे अनइंस्टॉल कर सकेंगे ड्रावर मोड में यूज करते हुए भी। एंड यहाँ पे अगले फीचर के बारे में बात करें भैया जी बैटरी ड्रेनिंग के रिलेटेड है, बिकॉज Realme XT के डिवाइस में या फिर कोई भी डिवाइस ले सकते हैं जिसमें Realme UI 1.0 का वर्जन चल रहा है, उसमें भैया जी बैटरी ड्रेनिंग वाली प्रॉब्लम यार काफ़ी ज़्यादा भर भर के देखने को मिल रहे। तो यार Realme इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, बिकॉज आपको प्रोसेस मैनेजर में ये फीचर मिल जाएगा डीप क्लीनअप का एंड आपको Realme लैब में यहाँ पे सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाई का फीचर मिल जाएगा एंड इसके साथ साथ सुपर पावर सेविंग मोड का भी फीचर प्रोवाइड किया जा सकता है इसी सितंबर वाले अपडेट में। तो भैया जी इसका साफ मतलब है बैटरी ड्रेनिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है Realme की तरफ है। तो भैया जी इसी अपडेट के बाद आपको इन फ्यूचर हो सके तो Realme UI 2.0 का भी अपडेट मिल जाए यार, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसमें Realme का जो न्यू वर्जन आएगा 2.0 वाला, उसमें यार बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम तो खत्म ही कर दिया गया। तो वो फ्रेंड दैट्स इट एंड यार बहुत फर्क है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा एंड अभी तक आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जिससे यार आपको लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज सबसे पहले मिलती रहे। एंड फ्रेंड मुझसे कोई अगर इसका ऑप्शन छूट गया हो एंड कोई फीचर मैंने मिस कर दिया तो यार कोई बात नहीं, इसमें आपको एट लास्ट वही सम नोन बग इशू वाला फीचर मिल जाएगा एंड आप सब कुछ यार मैंने तो आपको लगभग सब कुछ तो बता ही दिया। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को वास्तव में जरूर से शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन और भी यूजर्स के पास पहुंच सके।